नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में बात करेंगे हम कैपिटल गुड सेक्टर, जो नॉन इलेक्ट्रिक सेक्टर है, उसके 6 बेहतरीन शेयर के बारे में। दोस्तों ये काफ़ी बेहतरीन सेक्टर है, कई सारे मल्टीबैगर दिए हैं इस सेक्टर ने। तो इस सेक्टर के जो मुख्य स्टॉक्स है, जो कि आपको मल्टीबैगर रिटर्न आने वाले समय में भी दे सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है थर्मैक्स लिमिटेड, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट कैप की बात है 70,000 करोड़ का है, करेंट प्राइस 1,465 रुपीज का है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.48% का है, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड की बात है 10.2% का है, रिटर्न इक्विटी 7.8% का है, और वहीं प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 62% का है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी 0.09 का है और डेट जो काफी कम है, मात्र 305 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, और नेट प्रॉफिट 207 करोड़ का, और वहीं रिजर्व की बात करें 3,229 करोड़ का। हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है और आने वाले समय में निश्चित रूप से एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की क्षमता रखता है। अगर इस स्टॉक के चार्ट की बात करें तो चार्ट भी काफ़ी सॉलिड है। देखिए यहाँ पर जो स्टॉक का प्राइस है वो मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा किया है, और अगर यहाँ से देखिए तो 11 रुपीज़ से ये तय किया है यहाँ पर 12,000% का रिटर्न। देखिए एक मल्टी बैगर रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, तो जब भी गिरावट में मिलता है तब इन्वेस्ट करना। देखिए ऊपर में मत फंसिएगा तो कई सालों आपके अमाउंट को रिकवर करने में ये स्टॉक लगा देगा। देखिए यहाँ से राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया 2011-2009 में, फिर यहाँ से देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया 2012 में अपना बॉटम बनाया, फिर यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न और 2016 में बॉटम बनाया, फिर यहाँ 2020 में बॉटम बनाया। तो इस तरह से ये जो है थोड़ा सा स्टॉक जो है साइक्लिक चलता है, मतलब लेकिन ये ग्रोइंग स्टॉक है, साइकिल के साथ साथ ग्रोइंग भी स्टॉक है। एक अप साइकिल एक डाउन साइकिल आता है, लेकिन साइकिल के साथ ये हमेशा ग्रोथ वाले स्टॉक हैं। तो निश्चित रूप से आप जब ये अपना बॉटम बना रहा हो, बॉटम फिनिश कर रहा हो, तो उस समय आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में जबरदस्त रिटर्न देगा ये स्टॉक आपको। उसके बाद दूसरा जो स्टॉक है इस सेक्टर से जो कि काफ़ी बेहतरीन काफ़ी सॉलिड है, देखिए इस तरह के अच्छे अच्छे स्टॉक हम अपने चैनल पर बताते रहते हैं, फिर इस सारे स्टॉक के जो सारा जो स्टॉक आपको बता रहे हैं उसमें जो गिने चुने स्टॉक होंगे उसके बारे में हम जो अलग से इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे, जिसमें कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के टेक्निकल चार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे आप पूरी तरह से उसके बारे में सीख सकें। तो देखिए ग्रीनफील्ड नॉर्टन काफ़ी बेहतरीन स्टॉक, मार्केट कैप की बात करें 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस 1,317 रुपीज़ है, डिविडेंड की बात करें 0.72% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, प्रमोटर्स होल्डिंग 58%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट टू इक्विटी 0 है, कोई भी डेट कंपनी के ऊपर नहीं है, तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। ऐसे सॉलिड फंडामेंटल्स वाले का स्टॉक अगर आपको कभी भी गिरावट मिले जरूर इन्वेस्ट कर लीजिए, चाहे वो मिड कैप स्टॉक क्यों ना हो, ये मिड कैप ही है, लेकिन ये स्टॉक आपको आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ दोस्तों बता दें, इस वीडियो में एक भी आपको लार्ज कैप स्टॉक देखने नहीं मिलेंगे, सारे के सारे जो है मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक है, लेकिन सभी के सभी सॉलिड फंडामेंटल्स वाले हैं। तो इसमें रिस्क आपको लार्ज कैप से ज्यादा मिलेंगे, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी रिस्क है, क्योंकि जो मार्केट क्रैश होगा तो यहाँ पर शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आएगा, तो जब काफ़ी ज़्यादा गिरावट आता है तो उस समय आपको इन्वेस्ट करने का है। कभी भी अभी जैसे स्टॉक आपने हाइयर प्राइस के आसपास चल रहा है तो अभी थोड़ा सा इससे अवॉइड करना है, जैसे आपको गिरावट मिले उस समय इन्वेस्ट करिए, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा इस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी के लिए। रिजर्व की बात करें 1,309 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा है। और अगर बात करें चार्ट का, तो चार्ट देखिए लॉन्ग टर्म में चार्ट काफ़ी सॉलिड रहा है। अगर यहाँ पर बात करें तो 9,000% का रिटर्न दिया है, और मात्र 2001 में 6 रुपये का यह शेयर हुआ करता था, और 6 रुपये से इसका जर्नी जो है 1300 तक का तय कर चुका है, 15,000% का रिटर्न है। दोस्तों ऐसा बेहतरीन रिटर्न आपको ऐसे बेहतरीन फंडामेंटल्स वाले शेयर में ही देखने मिलेंगे, तो ऐसे बेहतरीन फंडामेंटल वाले शेयर जब भी गिरावट मिले जरूर इन्वेस्ट कीजिए। और इसी सीरीज में जो तीसरा स्टॉक है वो है JMM फॉडलर। दोस्तों बात करें, ये स्टॉक भी काफ़ी बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है इसका भी। देखिए अफिलेटिंग डाइंग इक्विपमेंट्स, मतलब सारे के सारे जो इंजीनियरिंग उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने वाली ये सारी कंपनियां हैं। तो जैसे हम इंडिविजुअल रिव्यू करते हैं तो सारे के प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ डिफरेंस है इन सब कंपनियों में, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सा कंपनी कौन सा प्रोडक्ट और कौन सा कंपनी डिफरेंट एक दूसरे से प्रोडक्ट बनाती है। मार्केट कैप की बात करें मात्र 6,932 करोड़ का मार्केट कैप है, करेंट प्राइस की बात करें 4,700 रुपीज़ का इसका करेंट प्राइस है, और डिविडेंड की बात 0.11% है,
और ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ था एक समय जब प्रमोटर इसमें OFS लेकर आए थे मार्क 3500 पे और 7000 के आसपास ये स्टॉक था। देखिए यहाँ 7000 के आसपास वहाँ से क्रैश हो चुका था ये स्टॉक, तो वो अपॉर्चुनिटी था आपके लिए इस स्टॉक को बाय करने का। अब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात है 16%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19%, प्रमोटर्स होल्डिंग 55%। तो देखिए सब में प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है वो भी एकदम सफिशियंट है जितना होना चाहिए। डेट इक्विटी की बात करें 1.47 का है, थोड़ा सा डेट इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा दिख रहा है लेकिन 2% से कम है, मतलब डेट टू इक्विटी का जो रेशियो है 2 से कम है तो काफ़ी अच्छा है। अगर टोटल डेट की बात करें 599 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट की बात करें 73 करोड़ का है, रिजर्व की बात है 404 करोड़ का है। हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है, तो आप इस कंपनी में भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर बात करें इसके चार्ट का, लॉन्ग टर्म में चार्ट काफ़ी बेहतरीन रहा है। अगर बात करें 2018 से अभी तक के शेयर के प्राइस का ग्रोथ का 555% का रिटर्न दिया है जो कि काफ़ी सॉलिड है। और इतना गिरावट के बाद, क्योंकि 50% तो इसमें स्टॉक में गिरावट भी देखने मिला है, लगभग 30% स्टॉक में गिरावट भी देखने मिला, उसके बावजूद इतना बेहतरीन रिटर्न ये स्टॉक दे रहा है तो काफ़ी बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न ये स्टॉक निश्चित रूप से देगा। और जो अगला चौथा स्टॉक है वो HLE ग्लॉसकॉट, ये भी स्टॉक एक स्मॉल कैप है क्योंकि 4786 करोड़ का मात्र मार्केट कैप है और क्रेडिट प्राइस जो है वो 3556 रुपीज है, तो ये भी एक स्मॉल कैप स्टॉक है लेकिन दोस्तों काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, ये भी एक इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। तो इसलिए आपको कह रहे हैं कि ये सारे के सारे जो स्टॉक बता रहे हैं ज़्यादातर इक्विपमेंट्स बनाती है लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट है, डिफरेंट प्रोडक्ट बनाती है अलग अलग कंपनियाँ। और मार्केट में जो इसका मार्केट शेयर है, कितना मार्केट पे पकड़ है, वो कंपनी का अलग अलग है, तो उसके अनुसार आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा। लेकिन सारे के सारे स्टॉक अभी काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो इसी में से कई सारी मल्टीबैगर स्टॉक निकलेंगे। ये जो आपको 6 स्टॉक बता रहे हैं इसमें से कई सारे मल्टीबैगर स्टॉक आने वाले समय में बनेंगे। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.11% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40%, रिटर्न ऑन इक्विटी 41%, प्रमोटर्स होल्डिंग 71.3%, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, डेट टू इक्विटी 0.46 का है, टोटल डेट की बात है 75 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 52 करोड़ का है और रिजर्व की बात 151 करोड़ का है, मतलब कंपनी के ऊपर डेट भी काफ़ी कम है, कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है और जो प्रॉफिट में ग्रोथ है वो काफ़ी बेहतरीन है। देखिए 114% का प्रॉफिट में ग्रोथ है पिछले 3 साल में, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। अगर चार्ट की बात करें चार्ट पे तो ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड दिख रहा है, 6900% का रिटर्न है चार्ट पे। और अगर बात करें इस स्टॉक का तो कभी भी गिरावट में आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। देखिए कुछ खास करके ये स्टॉक जो पिछले 2 सालों में 3 सालों में काफ़ी बेहतरीन मूवमेंटम दिखाया और पिछले 2-3 सालों में ही 2000% का रिटर्न दे रहा है, इतना सॉलिड ये स्टॉक है, तो ऐसे स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। आइनएक्सेंस ये भी काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, ये कोई इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी नहीं है बल्कि ये वाटर साइकिल जो उससे रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन हो उसको बनाने का काम करती है, तो काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है इस कंपनी का और अपने सेक्टर का, अपने बिजनेस का लीडर है, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है और साथ ही साथ काफ़ी ग्रोथ बाकी है इस स्टॉक में। अभी देखिए मात्र 3522 करोड़ का मतलब इसका मार्केट कैप है। अगर करेंट प्राइस की बात करें 2400 का करेंट प्राइस है, डिविडेंड यील्ड की बात है 0.25% का डिविडेंड यील्ड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 38% का, रिटर्न ऑन इक्विटी 32% का है और प्रमोटर्स होल्डिंग 27% का है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है, इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग काफ़ी कम है, तो ये आपको देख कर चलना है आपको क्या कम प्रमोटर्स होल्डिंग वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद है तो कीजिए, अदरवाइज आप इसको अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि इसमें FIIs का स्टेक भी नहीं है, इसमें ज़्यादातर स्टेक पब्लिक का ही है, तो आप चाहे तो पब्लिक स्टेक के साथ जाना तो इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करें डेट टू इक्विटी का, तो डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, 0.10 का है, टोटल डेट 51 करोड़ का है, नेट प्रॉफिट 144 करोड़ का है, रिजर्व की बात है 492 करोड़ का है, हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है। और वहीं बात करें कंपनी के चार्ट का, तो चार्ट भी काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी सुंदर है। और बात करें रिटर्न का, 896% का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने, तो जो कि काफ़ी सॉलिड है। अब बात करें अगला
स्वराज इंजन, स्वराज इंजन जो कि काफी बेहतरीन स्टॉक है। मार्केट कैप की बात है 2154 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस 1774 रुपीज का है और डिविडेंड की बात है 2.82% का डिविडेंड यील्ड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 48%, रिटर्न ऑन इक्विटी 35%, प्रमोटर्स होल्डिंग 52.2%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, डेट इक्विटी जीरो है, मतलब बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। नेट प्रॉफिट की बात है 92.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और रिजल्ट की बात है 268 करोड़ का है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी सॉलिड दिख रही है और ऐसे सॉलिड फंडामेंटल्स वाले कंपनी के साथ ही आपको जाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। और बात करें रिटर्न का लॉन्ग टर्म में तो 850% का रिटर्न दिया है लॉन्ग टर्म में, तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। हर गिरावट में बाई है लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। तो इसमें स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक भी थे, याद रहे दोस्तों स्मॉल और मिड कैप जब मार्केट में गिरावट हो 20% का तो ये स्टॉक आपको 50% गिरता हुआ देखने मिलेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा उसमें कोई और न्यूज आ जाए कंपनी के बिजनेस प्रभावित होने का तो आपको ये 60-70% भी गिरावट दिखा सकता है। तो इतना ज़्यादा गिरावट इन सब स्टॉक में देखने मिलता है, लेकिन जब यह रैली करेगा तो फिर ये 200% तक रैली करता है। तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना है लॉन्ग टर्म के लिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।